दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना है तथा वे इतने दानवीर थे कि दान ही उनकी मृत्यु का कारण बना। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी एक रोचक कथा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप कर्ण को सबसे बड़ा दानी क्यों मानते हो, जबकि दान तो वे भी करते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह बात याद कराने के लिए अपनी लीला से दो पर्वतों को सोने का बना दिया और अर्जुन को सोना गाँव वालों में बांटने को कहा। तब अर्जुन ने सारे गाँव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर उन्हें देने लगे और थोड़ी देर बाद थक कर बैठ गए। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया तथा सोना गाँव वालों में बांटने को कहा। कर्ण ने बिना सोचे समझे गांव वालों से यह कह दिया कि सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट ले, और तारीफ के पात्र होते हुए भी वे दान करते ही बिना तारीफ सुने वहां से चले गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण कभी भी दान करते वक्त अपने हित का नहीं सोचते हैं तथा उनके मन में रत्ती भर भी लालच नहीं है, इसलिए हे पार्थ, कर्ण निसंकोच ही सबसे बड़े दानी है। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।